हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का दिन बहुत ही हमारे लिए ख़ास है क्योंकि आज हमारे भैया का बेटी का बर्थडे है। तो चलते हैं उसके पास, वो है उस घर पे नए वाले, चलते हैं आपको वहाँ भी घर दिखाएंगे। तो ये रही सिमी, तो सिमी को बोलते हैं टाटा बाय बाय और चलते हैं नए वाले घर पे। हाँ, गिफ्ट दिया जाएगा उसको, मम्मी बोले कुछ आएगा उसके लिए, ज़रूर आएगा, गिफ्ट देंगे। तो फिलहाल चलते हैं अभी वहाँ पे, वो वहाँ है या नहीं है, चलते हैं पहले। तो फिलहाल हम आ चुके हैं अपने घर के पास, वो दिखे झंडा लहरा रहा है, वही है अपना घर। और फिलहाल अभी हम आ चुके हैं घर के अंदर, चलते हैं धीरे कदमों से ऊपर की तरफ। हम ऊपर की तरफ आए तो सबसे पहले मुलाकात हुई थॉर से, ये हमारा नया डॉग है और ये बहुत ही प्यारा, देखिए अब इसका ब्राउन कलर बहुत ही प्यारा लवली सा लगता है। और ये मतलब 6 से 7 महीने का है लगभग, मुझे मतलब कंफर्म पता नहीं। ये देखिए मेरा बेटा जो क्या कर रहा है, कुछ काम धंधा कर रहा है। तो बर्थडे गर्ल है ही नहीं क्योंकि बर्थडे गर्ल गई है पूजा करने, और आज उसका बर्थडे है तो पूजा पाठ भी ज़रूरी है। पूजा करने घर पे गई है, घर से आती है तो मिलते हैं उससे। और ये रहा आपको आते टाइम देखें थॉर, बजा थॉर, इसका नाम है थॉर। और एक हमारी सिमी, थॉर सिमी दोनों दोस्त हैं। और ये थॉर सिमी से छोटा है लेकिन देखिए साइज में बड़ा दिख रहा है, तो क्योंकि ये अभी लगभग 5-6 महीने का ना बेटा, 7 महीने का ये डॉग है। लेकिन ये लेबरा है, वो भी लेबरा का और पोवेलियन का क्रॉस है, तो छोटी है। चलिए बरसाती तो बरसात से मिलते हैं, और फिलहाल अभी यहाँ आए, क्या प्रोग्राम है क्या नहीं पता करते हैं। फिलहाल मैं अभी घर जा रहा था रास्ते से, तो रास्ते में मिल गई बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे बरसा। और ये रही बर्थडे गर्ल जो पूजा पाठ कर रही है, पूजा पाठ करना सब सही होता है, इसलिए आज बर्थडे है। तो बर्थडे तो कहाँ कहाँ पूजा करने गई हो? हंस रही है, सिर्फ घर पर गई थी पूजा करने। तो अब तो ये मिल गई, तो अभी चलते हैं, जो काम बाकी है पूरा काम करते हैं, फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। और बरसा कौन सा ड्रेस पहनोगी आज? परी ड्रेस? हंस रही है, परी ड्रेस बोलती बहुत कम है, कोई बात नहीं, चलते हैं फिलहाल अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ। तो घर में जैसे जा ही रहा था, रास्ते में मिल गए छोटे और इरफान, और हम जा रहे हैं टिकमास घूमने। और पीछे का बैकग्राउंड देखिए भाई साहब, क्या लवली बैकग्राउंड है यार। फिलहाल हम छोटे और इरफान घूम के आ गए, और अभी याद हुआ कि मैं भी फ्रेश हो गया, जा रहा हूँ केक ऑर्डर देने। और अनिल कॉल किया है, अनिल है नए वाले घर पे, उस वाले नए वाले घर पे, तो चलते हैं फिलहाल वहाँ पे, वहाँ से चलते हैं केक का ऑर्डर देने। आ चुके हैं केक की दुकान पे, और ये रहा नीतीश पीछे, और ये देखिए किसी केक का ऑर्डर आया लिख रहा है। नीतीश मेरा ऑर्डर क्या है? 2 पाउंड डार्क, तो शाम तक मिल जाना चाहिए बाबू, वहाँ आएंगे आधे घंटे में। तो केक का ऑर्डर दे चुके हैं हम लोग, और चलते हैं अभी, डेकोरेशन भी करना है। डेकोरेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा माइंड स्ट्रेस में, चलते हैं पहले घर। तो हम घर पे आ चुके हैं और देख रहे हैं कि डेकोरेशन चालू है। और ये रहा नीमा जी, वो रहा चूजा, और ये हमारे भांजी भी आए लोग। ये देखिए कैसे डेकोरेशन का काम चल रहा है अच्छे से। तो फाइनली हम केक की दुकान पे आ गए केक रिसीव करने। ये रहा रियाज बैठा है, केक लेके चलते हैं घर। और अभी हम फिलहाल घर आ चुके हैं, ये रहा केक, और केक कर देते फ्रिज में। तो फाइनली सब डेकोरेशन हो चुका है और सब बच्चे आ चुके हैं, जितने भी वर्षा के दोस्त हैं सब लड़के लड़कियां सब आ चुके हैं, और सब इंजॉय करने के लिए आए हैं। सबके चेहरे पे आप हंसी देख ही सकते हैं, कितना प्यारा स्माइल है। और ये देखिए थॉर, थॉर आ चुका है अपनी मालकिनी के साथ फ़ोटो क्लिक कराने। देखिए जीभ बाहर निकाले, कितना प्यारा मूवमेंट है, कितना स्वीट सा मूवमेंट है। और ये मूवमेंट भाई बहुत अच्छा लग रहा है, एक जानवर को अपना फैमिली मेम्बर हम लोग मानते हैं, और ये जानवर नहीं है, हमारा फैमिली मेम्बर है। और ये देखिए बड़ी मम्मी अच्छा छीट दी, और अभी इसे आरती दिखाया जाएगा क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इसे बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि कोई भी शुरुआत करते हैं तो इसका जन्मदिन है तो पहले आरती उतारते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए अभी तो भगवान के समान है। तो सही है, बेटी वैसे भी भगवान के समान होती है, रानियाँ होती है, पापा की परी जो समझ लीजिए आप, ऐसा बोला जाता है। और अब मेरी मम्मी की बारी आ गई, मम्मी ने पहले इनको तिलक लगाया, फिर अच्छत छीटा, और फिर आरती दिखाई जाएगी। और ये हिंदू धर्म का परंपरा है और ये सदियों से चलते आ रहा है और ये चलता रहेगा भी। ये देखिए थाली रख दिया गया, अब बारी है केक काटने की। और ये देखिए स्कार्पर जल गया, अरे यार ये 10 साल वाला तो कैंडल जला ही नहीं, जो हमारी वर्षा 10 साल की हो चुकी है। ओ जीजा जी अभी जला के क्या करोगे, जीजा जी को देखो अभी जला रहे हैं। अब तो केक कट चुका है, और केक कटने के बाद सब हैप्पी बर्थडे टू यू वर्षा, आप हमेशा खुश रहो, खुशहाल रहो, जहाँ रहो बनी रहो। और ये देखिए लोगों का भी बहुत, लड़के बहुत मतलब हमारे दोस्त भैया के दोस्त सब कोई आए हुए हैं यहाँ। और ये देखिए अपनी बेटी को केक खिलाते हुए, और देखो बच्चे सब गिफ्ट दे रहे, बच्चे गिफ्ट देना चालू, केक कटा नहीं कि गिफ्ट देना चालू,
सब बच्चे गिफ्ट दे रहे हैं, केक कटा और गिफ्ट देना चालू। सब कोई कॉपी लाया, कोई सेलिब्रेशन लाया। अब चलिए थोड़ा आपको डांस का क्लिप दिखा दिया जाए। फाइनली पार्टी सार्टी सब खत्म हो गई है। अभी पता है कितना टाइम हो रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं और भाई साहब मैं रात भर नहीं सोया, पार्टी के लेके नहीं, वैसे कुछ माइंड कैरियर टेंशन बहुत है तो 6 बज तक मैं सोया ही नहीं। अभी तक सोया भी नहीं और नींद भी नहीं आ रही है, आज का रात तो गया। तो होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, मज़ा आया है ब्लॉग में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।